हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी दुकान का पोस्टर कैसे बनाएंगे। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पोस्टर रिलेटिव सारा वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जो है अपने मोबाइल में जो है पिक्सल ऐप को ओपन कीजिए। के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये न्यू टास्क को डिलीट कर दीजिएगा। तो यहाँ डिलीट कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम जो PLP फाइल बना के रखे हैं तो उसको लाएंगे। तो उसको लाने के लिए यहाँ देखिए साइड में 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, उसमें से आपको यहाँ देखिए नीचे जो है ओपन PLP फाइल, उसमें क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद तो यहाँ से जो है अपना PLP फाइल ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से PLP फाइल को ले लेते हैं, ओके करेंगे। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो है मेरा PLP फाइल वो आ गया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको जो है अपना यानी दुकान का जो है नाम बदलना है। तो यहाँ देखिए, जैसे मेरा दुकान का नाम है माँ मोबाइल शॉप, यहाँ आप जो है अपना नाम डाल सकते हैं। तो इसको पहले हटा देते हैं, कैसे डालेंगे वो आपको बता देते हैं। तो इसको पहले हम हटा देते हैं, तो यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ लिखने के लिए तो यहाँ देखिए नीचे जो है एक ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। यहाँ से एक टेक्स्ट ले लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए पेंसिल का आइकन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। यहाँ जो है हम नाम लिख देते हैं, देखिए यहाँ लिख दिए। उसके बाद यहाँ देखिए साइड में ओके का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। इसमें आप साइज़ बढ़ाना है और कलर देना है, तो देने के लिए स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, यहाँ साइज़ दे देते हैं जितना भी साइज हो। तो राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद इसमें कलर जैसा भी कलर हो वो आप दे सकते हैं। तो फिलहाल हम जो है ब्लैक रखेंगे। उसके बाद यहाँ राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ इवॉल्व कर देंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स हो गया। अब इसका आउटलाइन देना है, तो आउटलाइन देने के लिए स्क्रॉल करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए स्टॉक का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे या इनेबल कर देंगे। तो आउटलाइन जो है जैसा भी कलर दे सकते हैं। तो फिलहाल हम वाइट देंगे, इसको तो साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया। उसके बाद दूसरा काम भी आपको ये करना होगा कि यहाँ देखिए, यहाँ जो जनता हाट वैसे पूर्णिया का दिखाई देता है अपना एड्रेस, तो वो वहाँ अपना एड्रेस डाल सकते हैं। तो इसको हटा देते हैं, कैसे डालेंगे वो आपको बताते हैं। तो पहले डिलीट कर देते हैं। उसके बाद लिखने के लिए यहाँ देखिए प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से पेंसिल ले लेंगे, यहाँ लिख देंगे अपना एड्रेस। तो हम जो मेरा एड्रेस है वो डाल देते हैं। तो यह लिख दिया, उसके बाद यहाँ ओके कर देंगे। ओके कर देने का इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देंगे। उसके राइट क्लिक करेंगे, इसमें कलर जो है दे देंगे। तो फिलहाल हम जो है इसमें वाइट रखेंगे, उसको बोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे जो है अपना मेरा नाम जो दिख रहा है, उसमें अपना नाम डाल दीजिएगा, यहाँ व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, यहाँ मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो जो है समाप्त हो गया। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एवं घंटे को बजा दीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।